पहले ही विनती की थी कि अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। एक सेकंड मिश्रा जी, प्लीज एक सेकंड। कम से कम सुनना चाहिए। आज ये बार एक के मिश्रा जी ऐसे लोग लगाए गए हैं। सिंह फिर कहां डिबेट को डिलीट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड ऑडियो नीचे ऑडियो नीचे, एक सेकंड मुद्दे पे नहीं बोले। एक सेकंड में मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। रोहित अग्रवाल जी, मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आज वो बता दे, आपके पास आज वो आह्वान कर दे, आज वो आह्वान कर दे कि 2022 में सारे किसान कौन से पार्टी को वोट देंगे, इसको बताइए। एक सेकंड आज ये बता दीजिए, किसान आंदोलन करने वाले आज ये बता दे कि 2022 में किसान किसको वोट दे, आज डिक्लेयर कर दे। खुल गया है, उन्होंने खुद बोला कि 2022 चुनाव में हिसाब होगा, तो आज बता दे किसानों को गुमराह मत करिए। किसान गुमराह है, जल्दी से एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड। उस दरवाजे का रास्ता तो बता देंगे किस दरवाजे में आना है। ओके, एके मिश्रा जी, क्या आपके घर एके मिश्रा जी, आपने सबके तर्क सुने, अटेंड करोगे क्या? मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, किसानी हाशिए पर जा रही है और राजनीति पूरी तरह से हो रही है, क्या मुद्दों से हम भटक तो नहीं रहे? नहीं, देखिए, अगर किसान आंदोलन में जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट दे रहे हैं, तो उनकी किसानी हाशिए पे नहीं जा रही, वो किसान है नहीं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, किसान नहीं है या इतने बड़े किसान है कि उनको खेती किसानी कोई मजदूर करता है, सामंत वो ज्यादा है, किसान वाले जो सामंत होते हैं ना, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, जो ये सारे मुट्ठी भर जो किसान है, हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल वो है, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ और मैं इसको सिद्ध भी कर दूंगा। पहले दिन से ही जब ये आंदोलन उठा था तो जो भी एक अच्छा समझदार इंसान होगा वो समझ गया था कि ये बहाना है और बाकी सारा का सारा राजनीतिक मामला है। अब ये 10 महीने के बाद खुल के लिखी आई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसान का अपमान भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती आ रही है। मिश्रा जी, मिश्रा जी आए हैं भाजपा के प्रवक्ता है क्या? दो लाइन बोला, कौन सी विश्लेषक है भाई आप? कौन सा विश्लेषक आपका है? कौन सा विश्लेषक है आपका? अरे बाप, विश्लेषक आंदोलन बनाने योग्य है? हमको माला बनाने की आवश्यकता है? कौन सा विश्लेषण आपका है? बात नहीं करेगा भारत के नेताओं से, सरकार से बात नहीं करेगा, जो बिडेन से वो ट्वीट करके मदद मांगेगा, जब खेत में काम करने की जरूरत है तो वो बंगाल भाग जाएगा और वोट बैंक की राजनीति करेगा। और अभी भी वो धमकी दे रहा है कि ये चुनाव जब होंगे 2022-2024 हम देखेंगे। अरे तुम खेती किसानी की बात ही नहीं कर रहे हो, चार मुद्दे जो MSP वगैरह की बात कर रहे हो उसमें तो लॉजिकल आप टिक ही नहीं पाओगे। हर बार ये बोल रहे हैं कि इसका हिसाब चुनाव में होगा। मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आज वो बता दे, आज वो आह्वान कर दे, आज वो आह्वान कर दे कि 2022 में सारे किसान कौन से पार्टी को वोट देंगे, इसको बताइए। एक सेकंड आज ये बता दीजिए, किसान आंदोलन करने वाले आज ये बता दे कि 2022 में किसान किसको वोट दे, आज डिक्लेयर कर दे। खुल गया है, उन्होंने खुद बोला कि 2022 चुनाव में हिसाब होगा, तो आज बता दे किसानों को गुमराह मत करिए। किसान गुमराह है, जल्दी से एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड आप ये डिक्लेयर करिए कि भारत देश का किसान 2022 या 24 के चुनाव में किसको वोट करेगा, करे ये आदेश जारी करिए। ये सरकार के दलाल है, दलाल, ये सरकार के दलाल है, कोई डिक्लेयर नहीं है। लाल टोपी लगा के घर में बैठ के ट्वीट करते हैं किसानी, ये दलाल है। अरे मिश्रा जी, किसानी क्या होती है? भैया से जाके पूछो, दलाली करते हो, दलाली करोगे तो? अरे कितने दिन खेत में रहे? तुम डुबोने के लिए अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी को तुम्हारे जैसे प्रवक्ता 5 साल से डुबो रहे हैं। अगली बार जमानत जब तुम्हारे जैसे प्रवक्ता अपनी पार्टी की ताबूत में की रोकने के लिए बैठे हैं, जब तक कमान नहीं करोगे तुम लोग, अखिलेश भैया को तब तक हटाओगे टीवी से तुम लोग। तुम अन्नदाता
मिश्रा जी, मिश्रा जी, एक सेकंड, सरकार की दलाली करने वाले एक सेकंड मिश्रा जी, मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि सरकार टूटेगी, अरे इन्होंने टूटा नहीं देखी है, शिवपाल चचा पहले अलग हुए नहीं रो नहीं, नहीं मसला किसानों का है, मैं एक सेकंड, नहीं 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 एक मिश्रा जी एक सेकंड, एक सेकंड, ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे प्लीज, मैं चर्चा चाह रहा था, मैं बहस, सॉरी मिश्रा जी, सॉरी मिश्रा जी, देश में तोड़फोड़ मचाएंगे, सॉरी मिश्रा जी, मैं चर्चा करवाता हूँ, बहस नहीं, मुझे बहस करवानी होती तो मैं लड़वा चुका होता अब तक, मैं चर्चा चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चर्चा हो, एक ब्रेक ले रहा हूँ, नहीं नहीं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार चर्चा, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, मसला किसानों को लेकर हो रही सियासत से भी जुड़ा है, अमृत पवार ब्रेक से पहले सवाल खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है, मिश्रा जी कह रहे हैं, और विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि किसान आंदोलन पर अगर राजनीति हो रही है तो दिक्कत क्या है, राजनीति किसानों पर ना हो तो फिर किस मुद्दे पर हो, लेकिन जो बात मिश्रा जी ने कही उसका जल्दी से जवाब दीजिए। मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना अग्रेसिव होना चाहिए, उन्हें अपने व्यूज रखने चाहिए, व्यूज होने चाहिए। क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है आप लोगों का? हमारा तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बार बार दोहराता हूँ, किसान जब वोट का टाइम आता है कहीं ना कहीं वोट देता है, अब उसमें किसान तो सारे वर्ग होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को दे, हो सकता है बीजेपी वाले भी हमारे साथ ही बैठे हों, सड़क पे आंदोलन करें, हम ये कहते हैं कि ये विपक्षी है तो ये गलत होगा। नहीं नहीं, एक चीज ये बताइए, एग्री इकोनॉमिक्स की बात कोई नहीं कर रहा है और कोई कर भी नहीं पाएगा, बात ये हो रही है कि चुनाव में वोट किसको देना है, हम देख लेंगे चुनाव में, हम किसी को सड़क से आने जाने नहीं देंगे, हम दिल्ली को जाम कर देंगे, हम एम्बुलेंस को जाम कर देंगे, हमारी ताकत को तुम जानते नहीं हो, अरे बात जो भी ढंग से करेंगे, आप किसी को बात करिए, आप इस टॉपिक पे बात करिए कि किसानों की आर्थिक हालत कैसे सुधर रहे, आप दिल पे बात करिए, उस पर करेंगे ही नहीं, मैं उस पर ही चर्चा करूंगा, एक सेकंड एक सेकंड, एक एक करके अपनी बात को रखिएगा, पांडे जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर रोहित जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे पांडे जी। ऐसा है चावला जी कि मिश्रा जी के पेट में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है, इनको झंडू का देना पड़ेगा पंचारिष्ट, ये बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये राजनीति विशेषज्ञ नहीं है, नहीं है पांडे जी, क्या तरीका है? नहीं नहीं, ये राजनीति विशेषज्ञ नहीं है, ये जो है झोलझाल विशेषज्ञ है, ये झोलझाल बतिया रहे हैं। अरे सर आपके पार्टी ने राहुल गांधी को पहले बचाइए झोलझाल से, आपको पता ही नहीं है आपका कैरियर क्या होगा, आपकी पार्टी में जो झोलझाल हो रहा है पहले उसको देख लीजिए, मेरी बात सुनो भाई मिश्रा जी, एनसीसी क्या है मिश्रा जी, मेरी बात सुनो, झोलझाल अपनी पार्टी में देखिए, न हो कभी नुकसान, अभी पंजाब में झोलझाल हुआ है, नुकसान आपकी पार्टी में, आपके झोलझाल बताना शुरू करेंगे तो आपको अपनी पार्टी मानने का नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी है, पिछले 10 साल से आप चुपचाप घिस रहे हो, आपकी जमानत जब्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या झोलझाल भागने वाला भगोड़ा हमें झोलझाल बताएगा, अरे भगोड़ों की पार्टी हमें झोलझाल बताओगे, जाके झोलझाल तो अपनी पार्टी को बताओ, नहीं एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, हम एसी से भागा हुआ है, प्लीज हमें झोलझाल बता रहा है, प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी, प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड, पांडे जी आंदोलन रखा है, पांडे जी मुद्दे पे आए, पांडे जी मुद्दे पे आए, पहले ही विनती की थी, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड मुद्दे पे आए, आपसे बढ़िया शब्द है, आपसे अच्छा बोलने आता है, अपने शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, जो नेता है जो अगुआ है वो खेती किसानी से छोड़ के सारी बातें कर रहे हैं, एक सेकंड, दुनिया खलीफा से ट्वीट करवा रहे हैं, जो विधान आप पाकिस्तान से समर्थन मांग रहे हैं, अफगानिस्तान से समर्थन मांग रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं, केवल किसानों की बात नहीं कर रहे हैं ये नेता, तो आप बीजेपी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गए क्या साहब, आप बीजेपी प्रवक्ता हो गए क्या, लिखा है क्या, हम तो लॉजिक दे रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला के क्या बताना चाह रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला के क्या बताना चाह रहे हैं, किसान क्या है, आप किसानों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के राजनीति के विशेषज्ञ है तो उसकी राजनीति की बात करें ना, आप चिल्ला चिल्ला के क्या बताना चाह रहे हैं, आवाज सबकी ऊंची है, 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 किसान इतनी ज्यादा की तो कान में दर्द होने लगा, अभी पेट में भी दर्द होगा,
हमारे क्या बता नहीं हो रहा है किसानों के बारे में, जिस हिसाब से सारे लोग क्या बताना चाह रहे हैं, बंदी करके पार्टी अच्छा आप किसान नहीं हो, आप प्रूफ करेंगे, आप किसान के आप प्रूफ करेंगे, आप प्रूफ करेंगे, आपको क्या मतलब है, मैं ब्रेक ले लूंगा वरना किसान का शोषण किया जा रहा है, किसान को अपमानित किया जा रहा है। आप देखिए आपके चैनल पे ही भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं जो अभी तक तो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते थे, अब किसान होने ना होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, खुद झूठ लिख के बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। अरे कम से कम यही सम्मान कर लेते कि खुद लिख देते कि भाजपा के प्रवक्ता है, उसके बाद आप किसानों का अपमान करते तो हम आपको उसका जवाब देते। किसानों का अपमान तो मत करिए, आप अभी घर जाएंगे। अरे सुनो, पहले मिश्रा जी सुनो, तो अपनी हालत देखो, जाके इस चैनल की डिबेट को देख लेना और अपनी हालत को देखो, अपनी हालत को देखो, तुम्हारी हालत उसकी हिम्मत से बदतर है कि मैं यहाँ पे स्पष्ट नहीं बोलना चाहता हूँ। एक तुम अपनी हालत देखो मिश्रा जी, अपनी हालत देखो, और जो घर जाके खाना खाओगे ना, उससे पहले किसान का दर्द समझ लेना। एक सेकंड मिश्रा जी मैं बाहर चला जाता हूँ आप डिबेट कर लीजिए। एक सेकंड सर, रोहित अग्रवाल जी प्लीज इस बात को समझिए, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, ज्ञानी प्रवक्ता हैं, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मैं बार बार मुद्दे पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एके मिश्रा मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसान है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? आप तो इतने विद्वान प्रवक्ता है, ऐसी आप बात करें। ऐसे लोगों पर कहिए कि विनय सिंह प्लीज मुद्दे पर आइए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, प्लीज। तिलक भाई, तब दर्द होता है जब देश के किसान का अपमान किया जाता है। एके मिश्रा शायद ये भूल जाते हैं कि अपनी पूर्वजों की पीढ़ी को देखेंगे तो शायद उसमें से तीसरी चौथी पीढ़ी जो इनके पीछे की होगी वो भी किसान होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज मिश्रा जी हो सकता है मतलब ऐसे घटिया लोगों को आप बुलाएंगे तो कैसे डिबेट हो? मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बताइए तिलक भाई। ऑडियो नीचे करिए। मिश्रा जी मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, मुद्दे को डिरेल मत करिए। आप पिछले आधे घंटे से मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। बैठी हुई है, जनता द्वारा चुनी गई है, इन्हीं किसानों के द्वारा, इन्हें भी रिजेक्ट होकर के नहीं बैठना चाहिए, किसानों की बात को कम से कम सुनना चाहिए। आज ये बार एके मिश्रा जी ऐसे लोग लगाए गए हैं। सिंह फिर कहां डिबेट को डिरेल कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेकंड रोहित अग्रवाल जी, ऑडियो नीचे, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? आपको क्या लगता है कि अब पूरा का पूरा मसला जो है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको नहीं लगता कि अब मसला पूरी लड़ाई चुनावी हो गई है? देखिए तिलक जी, पहली चीज तो ये है कि जो आपने बार बार ये चीज कही कि जो देश में जाम लगा, लोगों को, आम आदमी को परेशानी हुई, उसके लिए किसान जिम्मेदार है, तो मैं आपको बता दूं, किसान खाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान आम नागरिक की भी लड़ाई लड़ रहा है, किसान उस मध्यम वर्ग की भी लड़ाई लड़ रहा है कि जो इनके जो तीन कृषि कानून आए हैं, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि जो भंडारण का कानून है, जो हमने देखा किस तरीके से मस्टर्ड ऑयल, कड़ू का तेल आज 200 रुपए तक पहुंचा इनके भंडारण कानून की वजह से, इनको ये समझ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो ये कहा जा रहा है कि वोट वोट की चोट, किसान है टिकैत साहब के, ये लड़ाई लड़ रहा है टीएमसी की, बंगाल में चुनाव आया तो ये अपना दो जोड़ी बैल, एक मिनट शांत रहिए, दो जोड़ी बैल और हल लेके गए बंगाल, वहां धान बहुत होता है, सारे बंगाल की जमीन को खेती करके पानी डाल के धान लगा दिया और 3 महीने बाद आ गए। मैं बोलता हूँ ये बताए कि ये किसान किसको वोट देंगे 2022 में, क्यों नहीं बताते? डिक्लेयर करें ना तिलक भाई, ये गवर्नमेंट कह रही है, भाई आप डिक्लेयर करिए कि आपके आंदोलनकारी किसान 2022 में किसको वोट करेंगे, ये क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल करेंगे, राइट
भाषाएं आई है, मुझे लगता है कि इस पर विचार जरूर करना पड़ेगा कि ये दलाल हो और ये है वो, इस तरीके की बातें आती है बड़े चैनल पे, दरो दर्शक आपके देख रहे हैं, ये इस तरीके की भाषा जो पॉलिटिकल दल, मुझे लगता है कि मिश्रा जी की ये बात बिल्कुल सही थी कि जिस तरीके की भाषा ये बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को डुबो के रख दिया है।